हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊँगा, अगर आप भी एयरटेल यूज़र हो और आप मेरे जैसे सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है एयरटेल का, और आपने रिचार्ज भी कर लिया है उसके बाद आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर जरूर करूँगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोज़गार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तो दरअसल मुझे सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि एयरटेल में इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा। तो इसके पहले रीज़न जान लेते हैं इस प्रॉब्लम के। तो रीज़न क्या होता है कि अगर आपकी जो नेटवर्क कवरेज कम है, कभी कभी क्या होता है आपकी जो कवरेज कम होती है और आपने रिचार्ज करवा ली होता है तो आपकी जो नेटवर्क कवरेज ठीक नहीं है, तो कुछ टाइम लगता है उस प्रोसेसिंग होने को। आपको तुरंत नहीं, आपको ऐसे कि 1-2 मिनट बाद आपका रिचार्ज नहीं होगा, तो आपको कुछ 1-2 घंटे कम से कम इंतज़ार करना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी सर्वर डाउन होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कम से कम 2 घंटे तो इंतज़ार करना है। तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा 2 घंटे हो गया था, रिचार्ज हुआ नहीं था। तो मैंने जब उनकी टीम से कॉन्टैक्ट करा, आप उनको मेल भी कर सकते हो या फिर एयरटेल थैंक्स से उनकी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कस्टमर केयर से कॉल भी कर सकते हो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने अभी रिचार्ज करा है तो मेरा अकाउंट में एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, वो मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। तो उन्होंने चेक करा और मेरी इस प्रॉब्लम की रिपोर्ट करी। उसके बाद उन्होंने चेक करा कि जो अंडर प्रोसेसिंग था मेरा रिचार्ज, और उस वो अभी प्रोसेस नहीं हुआ था, उसमें कुछ टाइम लग रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उसको मतलब प्रोसेसिंग की कंप्लीट की थी, और उसके बाद मेरा 2 मिनट में रिचार्ज डन हो गया और मेरा इंटरनेट कम अच्छे तरीके से चल रहा था। और पहले भी रिचार्ज का नोटिफिकेशन तो आया था पर इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स मतलब वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।